आप अपना वो रेडी रखें। ठीक है, तो फिलहाल आपकी वहाँ पर सप्लाईज और कोई अप्रोच रोड गांधी का है? नहीं। आप मेरे साथ शमीम जी इन टच रहिए, अगर आपको कोई सप्लाईज की हो तो हम ट्रांसशिप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कुछ ना कुछ करके अगर कोई सप्लाईज होगी मैं शुआब के साथ भी बात करूंगा और तब तक हम कुछ ट्रांसशिपमेंट दवाइयां वगैरह की जरूरत होगी और जो फूड रिलेटेड आइटम जो जी हां फूड रिलेटेड मैं आज ही ऑर्डर निकाल दूंगा। थैंक यू सर, वी विल इशू एन ऑर्डर। दो तीन दिनों की बारिशों की वजह से हमारा जो रामबन गांधी रोड है ये किलोमीटर 7 पे कोई 300 मीटर्स जो है वो कल जो है वो सिंक हो गया। इमीडिएटली जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं PWD के, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया और यहाँ पर एक टीम डिप्यूट की गई टू फिज़िकली सी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 300 मीटर्स पे मैसिव डैमेज है, बहुत सारे हमारे जो ग्रीन ट्रीज़ हैं वो भी अपरूट हो चुके हैं और इमीडिएट डायरेक्शंस हैव बीन कन्वेड कि आप इस रोड की रेस्टोरेशन जो है उसके काम को इमीडिएटली हाथ में लें। और मेरी जो विनोद जी के साथ बात हुई है, उन्होंने हमें अश्योर किया है दैट एज एंड व्हेन वर्क स्टार्ट्स तो हफ्ते के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस रोड को रिस्टोर करेंगे। इसके अलावा मैंने DFO जो हमारे बटोत फॉरेस्ट डिवीज़न के हैं कुलदीप जी, उनको भी डायरेक्शन दी है कि वो अपनी टीम, वैसे उनकी टीम कल यहाँ पर पहली प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन के लिए आई है ताकि जो अपरूटेड ट्रीज़ हैं उनको रिमूव किया जाए, बिकॉज आफ्टर दोज ट्रीज़ विच हैव बीन अपरूटेड जब वो रिमूव होंगे तभी हमारा रेस्टोरेशन का काम शुरू होगा। इन द मीन टाइम हमने तहसीलदार रामबन को नोडल ऑफिसर बनाया है ताकि जो कट ऑफ एरिया हैं गांधी और जो कब्बी पंचायत है उनकी जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग फूड सप्लाईज राशन और उसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जब तक सड़क रिस्टोर हो ट्रांसशिपमेंट करके उनको वो एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुंचाएंगे। तो मेरी पिछले दो दिन से हम DDC मेंबर हमारी जो शमीम जी हैं उनके साथ इन टच हैं और आज हमने यहाँ पर दौरा करके जो है फर्स्ट हैंड अप्रेजल लिया है और सब्जेक्ट टू गुड वेदर कंडीशन, आज वैसे धूप निकली है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू हो जाए।